छिंदवाड़ा जिला के अंतर्गत आने वाली सेवा सहकारी मर्यादित समिति रामगढ़ में सोसाइटी की वार्षिक आम सभा संपन्न की गई, जिसमें वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया गया एवं वर्ष 2023-24 की रूपरेखा तैयार की गई और शासन की मूलभूत योजनाओं के विषय में किसानों को जानकारी दी गई। वर्ष 2021-22 के वित्तीय पत्रकों का अवलोकन कर किसानों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 21-22 के शुद्ध लाभ व्यसन के लिए विचार किया गया। वर्ष 22-23 के अंकेशन हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति की गई। आम सभा में मुख्य रूप से प्रशासक मोहम्मद आरिफ कुरैशी एवं शाखा प्रबंधक उमाकांत शुक्ला एवं शिव कुमार दुबे, उमेश सक्सेना, उप सरपंच मिश्रीलाल त्रिकाम, अशोक पंचेश्वर, हीरालाल जहरिया, बबलू साहू, अशोक साहू, शिवराम साहू, कोमल पटेल, सुनील दुबे, दादूराम पटेल एवं कर्मचारीगण शरद दुबे, राजेश दुबे, यशवंत साहू, प्रदीप मिश्रा, नीलेश साहू, ललित कहा, सुजीत यादव आदि उपस्थित रहे। आज दिनांक 24/9/2022 को सोसाइटी की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें वर्ष 21-22 के बजट का अवलोकन किया गया एवं आगामी वर्ष 23-24 का विषय में किसानों से क्रियाकलाप की जानकारी ली गई, आगामी वर्ष की रूपरेखा तैयार की गई एवं शासन के जो योजनाएं हैं उसके विषय में किसानों को बताया गया और अन्य प्रस्ताव शासन द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसके विषय में प्रस्ताव लिए गए और आज की आम सभा संपन्न हुई। चोरई से बीसी न्यूज के लिए संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।